BSc, that is Bachelor of Science, is the most sought out career option after 12th. बहुत सारे ऐसे subjects हैं, बहुत सारे fields हैं जिसमें आप BSc course pursue कर सकते हो. So hello everyone, welcome to our channel, The Learning Companion. इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप 12th के बाद BSc करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से options हैं, कौन कौन से subjects हैं जिसमें आप BSc pursue कर सकते हो. और एक और चीज हम डिस्कस करेंगे from the point of view of your career. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, या फिर अगर आप रिसर्च में कोई एकेडमिक कोर्स ढूंढ रहे हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऑप्शन जो आपको पता ना हो वो आपका मिस हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसा नया ऑप्शन पता चल जाए जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज जो आपके होते हैं, जनरल कोर्सेज जो हर बच्चे को मोस्टली पता ही होते हैं, जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज बीएससी नॉन मेडिकल. तो इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट जो आपके पीसीएम के होते हैं, नॉन मेडिकल के होते हैं, वो आप सारे पढ़ते हो. बीएससी नॉन मेडिकल इज अ वेरी जनरल कोर्स जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो नॉन मेडिकल वाले. इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में लाई करता है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं पता, तो इसमें जब आप आगे फर्दर डिग्री के लिए या फिर जॉब के लिए जाओगे तो आपके पास इसमें वाइड ऑप्शंस खुले हैं. आप बीएससी के बाद चूज कर सकते हो कि आपको आगे अपनी किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है या फिर किस फील्ड में आपको आगे अपना करियर परस्यू करना है. नेक्स्ट है आपके पास बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री एंड बीएससी मैथ्स. जैसा कि नॉन मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस हर सब्जेक्ट में आप अलग से बीएससी कर सकते हो. और उसके बाद अगर आप फिजिक्स में हो तो फिजिक्स की आप एक स्पेशलाइज ब्रांच में आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, एंड बीएससी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड मैथ्स में भी आपके पास बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड, स्पेशलाइज फील्ड हैं जिसमें आप बीएससी कर सकते हो. या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएससी करने के बाद आप एमएससी में आगे जाके अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो. एंड ये बात सोचना कि ये सारे सिर्फ रिसर्च रिलेटेड या फिर टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं, इसमें आपको बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में आपको इंडस्ट्री में भी जॉब्स बहुत इजीली मिल सकती हैं, बस बच्चों को वो चीजें पता नहीं होती. अब हम नेक्स्ट अपने जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो वो डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट आपके पास है आईटी, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी का स्कोप आपको पता है कि आजकल कितना ज्यादा है, आईटी में जॉब ज्यादा है, करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. तो बीएससी आप आईटी सेक्टर में कर सकते हो जिसमें आप वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सीखते हो. एंड दिस इज नॉट एन एकेडमिक कोर्स, बीएससी आईटी इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स. तो बिल्कुल जॉब रेडी कोर्स है आपका, अगर आप करते हो तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी. नेक्स्ट है आपके पास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस. अब आईटी और कंप्यूटर साइंस दोनों मोस्टली सेम है, बट इनमें डिफरेंस भी है. IT is mainly related to the application, that is user interface कैसा रहेगा जब आप कोई application use कर रहे हो. But computer science is related to the hardware, operating system. तो computer science आपका computing से related है. Again, computer science is also job ready career. इसमें आपको बहुत सारी skills सीखने को मिलती हैं and jobs के option भी computer science में बहुत सारे हैं. Next आपके पास एक बहुत ही अच्छा subject है, बहुत ही अच्छी field है, जो आपके पास BSc in data science. शॉर्ट में समझ लो कि डेटा साइंस होता क्या है. हम पूरा दिन इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, तो ये सब हमारा क्या कर रहे हैं, ये सब हमारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. तो खाली डेटा इकट्ठा करने से तो कुछ नहीं होगा, उस डेटा को एनालाइज करना है, देन उससे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव निकालना है जिसके थ्रू कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेच पाए. तो वो काम किसका होता है, एक डेटा साइंटिस्ट का. तो बीएससी डेटा साइंस में एम्प्लॉयमेंट के स्कोप आपके कहाँ कहाँ होते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर में, फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो सारी इंडस्ट्रीज में डेटा साइंटिस्ट की नीड होती है. तो सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी होती है डेटा साइंटिस्ट की, एंड जॉब ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस भी आपके पास बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट है आपके पास बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स में भी कॉम्पिटिशन आपका बहुत कम है, बहुत कम बच्चे इसे आगे परस्यू करते हैं, बट स्कोप आपका बहुत अच्छा है. स्टैट्स आपका होता क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. डेटा को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, देन उसे कैसे एनालाइज करके कुछ प्रोडक्टिव निकालना है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, तो इन सब में एक स्टैटिस्टिक्स के बंदे की बहुत ज्यादा नीड होती है. तो इसमें भी आपको बहुत इजिली जॉब, बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है. नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा बीएससी के लिए कोर्स है, दैट इज
बीएससी इन नॉटिकल साइंसेज। अगर आप इस फील्ड में बीएससी परस्यू करते हो तो आप मर्चेंट नेवी में भी आगे जा सकते हो। नॉटिकल साइंसेज में आपको पढ़ाते क्या है, एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेफ नेविगेशन ऑफ द मेरीन व्हीकल्स, कि जो भी आपके शिपिंग इंडस्ट्री है, कार्गो इंडस्ट्री है, उन सबकी जो आपकी एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि शिपिंग को कैसे ऑपरेट करना है, नेविगेट कैसे करना है, वो सारा आपको नॉटिकल साइंसेज में सिखाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्चुरियल साइंस। ये ऑप्शन बहुत बच्चों ने सुना भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता कि एक्चुरियल साइंस करके भी कुछ है। एक्चुरियल साइंस आपका मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मैथ्स में रिसर्च, मैथ्स को एक तरह से बिल्कुल डीप में अच्छे से पढ़ना, उसमें स्टैट्स भी आती है आपकी, तो मैथ्स से रिलेटेड आपका कोर्स है एक्चुरियल साइंस। एंड इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इससे रिलेटेड बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बट इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है वो आपका 4 साल का होता है एंड इसमें आपके पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ICAR के साथ काम कर सकते हो, बहुत सारी आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक डाबर, नेस्ले, जितनी भी आपकी फूड रिलेटेड कंपनीज हैं उन सबको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन अगर आपको एग्रीकल्चर साइड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है आपके पास बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड की इंडस्ट्री में भी हमें पता है इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी डील्स विद द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस दैट फूड प्रोडक्ट्स अंडरगो। तो जितनी भी आपकी पैकेज फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, डाबर, इन सबको फूड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स अपनी लैब्स में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में चाहिए होते हैं, तो इसका भी जॉब प्रोस्पेक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। अगर आप फ्यूचर में IB, CBI इनके जैसी एजेंसीज के साथ काम करना चाहते हो तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आपको पता है कि कंपटीशन कम है एंड इसके इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप के हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी। सो आप इसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। अगर आप इस कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप किसी टॉप के इंस्टीट्यूट से ही करो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। इट इज़ अगेन अ नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शन। क्लिनिकल रिसर्च डील्स विद द रेगुलेटरी एंड द क्वालिटी कंप्लायंसेस ऑफ द R&D सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जितने भी आपकी लैब्स में, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में रिसर्च चल रही है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल रिसर्च ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च इज अगेन अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, जॉब ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी के लिए बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। आपको लगेगा कि दोनों ही बायो से रिलेटेड हैं, बट नहीं, एक PCM वाला बच्चा भी इन्हें परस्यू कर सकता है बिकॉज इनमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। कोविड के टाइम पे वैक्सीन डेवलप हुई, बहुत जल्दी हमने मेडिसिन वगैरह बना ली, जितनी भी आपकी आजकल वैक्सीन चल रही हैं कोविड की या और किसी डिसीज़ की, तो वो सारा काम कौन देखता है, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट। एंड वॉट इज़ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री आपकी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी आपकी लाइफ साइकिल्स हैं उसमें केमिस्ट्री कैसी यूज होती है, केमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उन सब चीज़ों के, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें फ्यूचर स्कोप आपका बहुत ज़्यादा है एंड ये ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आगे स्कोप आपका इंक्रीज ही होना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जितना स्कोप आपका IT सेक्टर में है उससे ज़्यादा स्कोप आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है। नाउ व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? हेल्थ केयर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सबके थ्रू जितना भी आपका डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को एनालाइज करना, उसे हमें गैदर कैसे करना है, देन उसे प्रेजेंट कैसे करना है, देन उससे हमें कुछ प्रोडक्टिव कैसे निकालना है, तो ये सब काम आपका कौन सी फील्ड में होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो डेटा आपका टाइम के साथ इंक्रीज होना है तो उसी के साथ आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जॉब्स और उसके करियर ऑप्शंस भी आपके इंक्रीज होने हैं। हमारे अब दो ऑप्शंस रह गए हैं एंड दे बोथ आर वेरी गुड एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीस फील्ड्स दे विल डेफिनेटली गिव यू अ रिवॉर्डिंग करियर। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल के बारे में, वो क्या खाते हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो एक डाइटिशियन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड इंटरनेट के टाइम पे ये डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसमें अगर आप बीएससी इन डाइटिक्स करते हो तो डाइटिशियन का ऑप्शन तो आपके पास है ही, बट अब बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, ICMR
या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी आपकी एनजीओज हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, एंड प्राइवेट सेक्टर में भी इसका स्कोप आपका बहुत ज्यादा है. नाउ अ लास्ट ऑप्शन फॉर बीएससी इज बीएससी इन एमएलटी और वी कैन से पैरामेडिकल. एमएलटी आपका क्या है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. तो आपकी हेल्थ केयर सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में जितनी भी मशीन्स यूज हो रही हैं, लाइक रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजी, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में यूज हो रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. एंड इसके जो कोर्सेज होते हैं इन्हें ऑपरेट करने के, वो सारे कोर्सेज भी एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा कर सकता है. बहुत सारे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक पीजीआई एंड एम्स. एम्स दिल्ली का आपने नाम सुना होगा. तो ये बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. आप उनका एंट्रेंस देके उनमें एडमिशन ले सकते हो. सो दैट इज ऑल. तो ये सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो. बहुत सारे इसमें ऐसे फील्ड्स हैं जो अभी नहीं आई हैं एंड इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, योर पैशन, आप क्या चीज करना चाहते हो. ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं. एंड अगर आपको इनके अलावा भी और कोई ऑप्शंस पता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और बच्चों को भी वो ऑप्शंस पता चल पाए. और हमने बैचलर्स ऑफ साइंस में एडमिशन के लिए जो आपके टॉप एंट्रेंस हैं, जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, जो आप टारगेट कर सकते हो, उसके लिए हम एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं. तो अगर आप बीएससी के लिए प्लान कर रहे हो तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स को जरूर फिल करना. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.